फूड रेसिपी चैनल में आप लोगों को स्वागत। आज मैं शेयर करूंगी दाल फ्राई की रेसिपी। आशा करती हूं आप लोगों को अच्छा लगे रेसिपी। मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको रेसिपी। और मेरी सारी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट रेसिपी। पहले दाल फ्राई के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ एक प्रेशर कुकर। उसमें डालूंगी लिटिल बिट ऑफ ऑयल अराउंड 1 टेबल स्पून। देन उसमें एक तेज़पत्ता डाल लूँगी और उसके बाद मैं डालूंगी तूर दाल। हरा दाल को डाल लूँगी और उसमें डालूंगी सॉल्ट एंड हल्दी पाउडर। टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और उसको लिटिल बिट फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। देन उसमें 1/2 ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे और उसको लिड कवर करके बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैं अभी यहाँ पर 2 व्हिसल के लिए छोड़ दिया था। अभी देखिए रेडी हो गया है दाल। तो अभी उसका तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए पहले पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें डालेंगे 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें डालेंगे 1 रेड चिली या ग्रीन चिली। सो मैं यहाँ पर रेड चिली डाल रही हूँ। सो रेड चिली थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद उसमें डालेंगे जीरा और उसको स्प्रिंकल होने के लिए छोड़ देंगे। अभी उसमें डालेंगे कटा हुआ जिंजर, कटा हुआ गार्लिक और उसको लिटिल बिट फ्राई करेंगे। देन उसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। अभी मैं छोटा छोटा पीसेस में काट कर रखी थी ओनियन को, तो उसको डाल लूँगी और उसको अभी हाई फ्लेम में फ्राई करूँगी। सो अभी फ्राई हो गया है तो मैं अभी डालूँगी 1/2 कटा हुआ टमाटो। उसको डाल लूँगी और उसको भी फ्राई करेंगे। अगर आपको सॉल्ट चाहिए तो लिटिल बिट सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। अभी इस स्टेज में हम टमाटो को अच्छे से पकाएंगे। और मसाले में मैं अभी डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून धनिया का पाउडर। और अभी मैं जो दाल का पानी था उसको डालूंगी और अच्छे से पकाऊंगी। टमाटर जब तक कि अच्छे से पक ना जाए तब तक उसको पकाएंगे। अभी फ्लेम को मीडियम में ही रखेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक उसको फ्राई करेंगे मीडियम हीट में। देखिए मसाला बनकर रेडी हो गया है। तो मैं तड़का इज़ रेडी। सो मैं अभी जो बॉईल किया हुआ दाल था उसको डाल लूँगी और उसको 5 to 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। आप इसको निकाल सकते हैं अभी तेज़पत्ता को। 5-10 मिनट के बाद उसको निकाल लीजिए और गार्निश कीजिए धनिया पत्ता के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। हैव अ गुड डे।